नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूं, UP SSSC का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी आपकी 14 वीडियो, इसमें आपको जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पसंद है तो लाइक करना ना भूलिएगा, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी दोस्त का लाभ उठा सकें, और कमेंट बॉक्स अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नया भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली जो भी वीडियो मिलती है उसकी PDF मिल जाती है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है। आपको बता दूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके बाद इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्या है कि जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड अदर फैक्ट्स होते हैं वो भी इसको आपको वीडियो में जानने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कैथ लैब होती है वो होती है आपकी कार्डियोलॉजी विभाग में, मतलब कि जहाँ पे दिल के डॉक्टर होते हैं उसमें आपकी कैथ लैब होती है, ठीक है, कार्डियोलॉजी। अगला, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है, मतलब कि आपका जो डायबिटीज होती है इसमें कौन से लक्षण है जो आपके मधुमेह के नहीं है। तो वो है आपका सांस की कमी, बाकी आपके जो बहुत प्यास लगना, थकान महसूस करना, वजन घटना, ये सब आपके डायबिटीज के कारण होता है, ठीक है। और मैं बताऊँ क्या होता है कि जब मूत्र में क्या होता है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है ना वो 300 से आपकी 500 mg प्रति ml हो जाती है, ठीक है, प्रति ml हो जाती है, तब आपका डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। 300 से 500 mg प्रति ml जब आपकी मूत्र में सब इसकी हो जाता है ग्लूकोज का मात्रा, उसके बाद आपका मधुमेह रोग होने लगता है, ठीक है। अगला, आपका ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दूँ, ताप या ज्वर को कम करने के लिए आपका एंटी पैरेटिक्स दवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें आपका इंग्लिश हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है, एंटी पैरेटिक्स, ठीक है। अगला, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। जो आपका स्पंज गुहा है ये मतलब कि कौन से जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। तो आपका ये आपका पोरी फेरा, जो आपकी पोरी फेरा जंतु संघ है इसका विशिष्ट लक्षण है आपका स्पंज गुहा, ठीक है। अगला, आपका डिनेचर्ड मतलब कि विकृतिकृत अल्कोहल क्या है। तो आपको बताओ, डिनेचर जो अल्कोहल है वो आपका एथेनॉल और मिथेनॉल का मिश्रण होता है, ठीक है, एथेनॉल और मिथेनॉल का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, एथेनॉल होती है आपकी 90% होती है, ठीक है, प्लस आपका 10% आपका मिथेनॉल होता है, ठीक है, उसे आपका डिनेचर विकृतिगत अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अगला, आपका कि कौन सी फसल अकते झुलसा रोग से प्रभावित होती है। आपकी अकते झुलसा रोग से प्रभावित होती तो वो होती है आपकी आलू, जो आपका आलू है आपका अकते झुलसा रोग से प्रभावित होता है। अगला, आपका किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दूं, एक मतलब कि कोई व्यक्ति उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जितना व्यक्ति है उसकी ऊंचाई की आधी, ठीक है। अगला है आपका कि चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है, मतलब कि मैग्नेटिक इंडक्शन का जो SI यूनिट होती है वो कितनी है। तो वो होती है आपकी टेस्ला, ठीक है, टेस्ला होती है आपकी SI में आपकी मैग्नेटो इंडक्शन की यूनिट। अगला, आपका चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको बताओ, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका मर्मियोलॉजी, ठीक है, मर्मियोलॉजी कहते हैं आपका चींटियों के अध्ययन को, ठीक है। अगला, आपका प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, मतलब जब हम प्याज छीलते हैं तो अपने आंसू निकल आते हैं, तो उसमें कौन सा मतलब कि ऐसा क्या निकलता है जिससे कि अपने आंसू आ जाते हैं। तो वो निकलता है आपका सल्फेनिक अम्ल, मतलब कि सल्फेनिक एसिड निकलता है, उसके कारण अपने आंसू निकल आते हैं, ठीक है। अगला, आपका ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है। जब ना ऑक्सीजन होती है इसका क्रांतिक ताप कितना होता है, तो मतलब इसका जो क्रांतिक ताप होता है वो होता है आपका 118.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 118.8 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताऊँ, पोटेशियम ब्रोमाइड का जो प्रयोग करते हैं आपका फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। अगला है आपका कि हास गैस कौन सी होती है। तो आपको पता ही होगा, हंसने वाली गैस कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है N2O, ठीक है, N2 होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला। और इसमें क्या होता है, मीठी गंध आती है, ठीक है, और इसे मतलब कि इसका स्वाद भी मीठा होता है, तो इसे सूंघने पर क्या होता है, मतलब कि हंसने की मतलब कि हंसी बहुत जाती है, ठीक है, हंसने की उत्तेजना बढ़ जाती है। अगला है आपका कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था।
तो आपको बता दूं, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जो कि आपका 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला है आपका कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको पता ही होगा भारत के गवर्नर जनरल कौन थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी से, तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। और बताओ स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला आपका पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लोहा तत्व की कितनी मात्रा होती है, तो आपको बता दूं पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लोहा तत्व की जो मात्रा है वो आपका अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 32% से आपकी 35% तक होती है, ठीक है, लगभग 32% से आपकी 35% तक होती है। अगला आपका बस 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको बता दूं भारत की जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना हुई थी भारत की, उसमें क्या है अपना उत्तर प्रदेश राज्य की जो आपको इन्हें जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी, ठीक है, तो वो थी आपकी 828 प्रति वर्ग किलोमीटर थी, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व। अगला आपका कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, जो आपका पृथ्वी है इसकी अर्धव्यास कितना है, तो मतलब पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो आपका 6371 किलोमीटर है, ठीक है, 6371 किलोमीटर। अगला आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है तो वो है आपका जौनपुर में, ठीक है, जौनपुर में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यहाँ पर क्या है आपका 1024, मतलब क्या होता है आपका 1000 लड़कों पे 1024 लड़कियाँ, ठीक है, इसको लिंग सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका कि निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पद भार कभी नहीं संभाला है, तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश राज्य के जो पदभार नहीं संभाला वो है आपके श्री चंद्र भानु गुप्ता, ठीक है, चंद्र भानु गुप्ता है, इन्होंने आपका कभी, यहाँ पर भानु है, ठीक है, भानु नहीं है, भानु है, राज्यपाल का कभी पद इन्होंने नहीं संभाला। बाकी आपके श्री HP मोदी, श्री कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, ये भी आपके, और श्री बुर्गालाल रामकृष्ण राव, ये भी आपके राज्यपाल रह चुके हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। बाकी आपके ये जो है श्री चंद्र भानु गुप्ता, ये आपके राज्यपाल नहीं रह चुके हैं, वो इनने पूछा कि राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। अगला आपका गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो आपको बता दूं गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली जो है वो आपको पता ही होगा, ये आपकी भोजपुरी है, ठीक है, भोजपुरी है। अगला पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें आपका जो धड़ाधड़ है वो आपका कौन सा रूप है, तो आपको बता दूं धड़ाधड़ है वो आपका क्रिया विशेषण रूप है, ठीक है, कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अगला कोई आ रहा है बाक में, जो कोई है वो किस प्रकार का शब्दनाम है, जो आपका कोई के बारे में पूछा है कि कोई आ रहा है, तो अभी तो कोई मतलब निश्चित नहीं है ना, तो वैसे ही आपको पता लग रहा है कोई आ रहा मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, कि कोई आ रहा, कोई मतलब नहीं कि कौन आ रहा, लड़का है लड़की क्या है कुछ समझ में नहीं है, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो आपका नाक का बाल होना मतलब आ कारण प्रिय होना, मतलब किसी भी वजह के कारण प्रिय होना, मतलब कोई होता है ना बेवजह अपने पीछे लगने लगता है तो कहते हैं नाक का बाल हो गया ये। तो अगला प्रसारण का विलोम क्या है, मतलब कि प्रसारण इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो होगा आपका आकुंचन, आकुंचन होगा आपका प्रसारण का विलोम। अगला आपका खिड़की जो है किस प्रकार का शब्द है, जो आपकी खिड़की है वो किस प्रकार का शब्द है, तो आपका खिड़की है जो आपका देशा शब्द है, ठीक है, देशा शब्द है आपकी खिड़की। अगला आपका बधु का बहुवचन रूप होगा, जो आपका बहु है इसका बहुवचन रूप होगा, तो आपका बता दूं बहुवचन रूप होगा आपका बधु है, ठीक है, बधु होगा, बाकी सभी आपके असंगत है, ठीक है, जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। अगला यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह हटी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर सही उत्तर होगा, मतलब कि यद्यपि वह पंडित है और फिर भी हटी है, तो उसका संयुक्त वाक्य है तो वो होगा आपका वह पंडित है किंतु हटी है, ठीक है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला आपका राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो आपको बता दूं राज्यपाल में जो संज्ञा वो आपकी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा आपकी राज्यपाल में। अगला अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताइए, जो आपकी अधिसूचना इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो वो होगा आपका नोटिफिकेशन, मतलब किसी को सूचना देना मतलब नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आपको पता ही होगा कथन होता है आपका, और आपका एंडोर्समेंट जो होता है वो होता है आपका पुष्टि करना, ठीक है, ये आपका पुष्टि करना होता है। आपका इनक्लोज्ड होता है ये आपका होता है प्रष्टाकन, ठीक है, प्रष्टाकन होता है। बाकी आपका अधिसूचना का मतलब होगा आपका नोटिफिकेशन। अगला आपका बा का उच्चारण स्थान, जो आपका बा है इसका उच्चारण स्थान है,
तो वो है आपका दंत कोष्ठ। ठीक है, दंत कोष्ठ स्थान है आपका बा का उच्चारण। अगला सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं, जो आपकी सभा इसका पर्यायवाची है कौन सा नहीं है, तो आपका सभा का जो पर्यायवाची है वो आपका सम्मिलित। ठीक है, ये आपका सम्मिलित है जो आपका सभा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सम्मिलित का मतलब होता है शामिल होना। ठीक है, शामिल होना, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका परिषद हो गई, बैठक हो गई, महावर्तन, ये सब आपकी सभा के अंतर्गत आती हैं। अगला आपका ये बराबर का चिन्ह दे रखा है, आपका विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो उसमें आपको बराबर शब्द समझ में आ गया, तो क्या हो गया आपका तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक बोलेंगे आपको शुद्ध हिंदी में। ठीक है, मतलब कि समान। अगला उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा, तो आपका उच्चारण का जो सही छंदी विच्छेद होगा वो का उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस चारण। अगला है बैल ना कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ बताइए। तो बहुत ही सिंपल कि बैल ना कूदे कूदे तंगी, या स्वामी के बल पर सेवक का साहस। मतलब अगर कोई क्या होता है कि किसी के बड़े अधिकारी के पास कोई भी छोटा वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर उससे कुछ काम के लिए जाओगे तो वो पहले कूदेगा कि हाँ मतलब कि मैं यहाँ यहाँ हूँ, तो वही हिसाब है कि बैल ना कूदे कूदे टंगी, मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस, मतलब उनके बलबूते पर वह अपने आप को सौंप करता है। अगला भूधर्भ का संधि विच्छेद क्या होगा, जो आपका भूधर्भ है इसका छंधि विच्छेद क्या होगा, तो वो होगा आपका भू प्लस उधर्भ। ठीक है, भू प्लस उधर्भ। अगला का भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो आपको बता दो भारत का पहला रेलवे एवं परिवहन विश्वविद्यालय जो है आपका बड़ोदरा गुजरात में खोला गया है। अगला हॉर्नबिल उत्सव कहाँ 1 से 10 दिसंबर के बीच हर वर्ष आयोजित होता है, तो आपको बता दूँ हॉर्नबिल उत्सव जो आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच, अभी जो अगला मैंने आपकी दिसंबर आ रही उसमें आपका आयोजित होगा, तो आपका हर वर्ष कहाँ आयोजित होता है, वो होता है आपका नागालैंड में। ठीक है, अगला रक्षा के क्षेत्र में सहयोग विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं अपने भारत ने, ठीक है, तो वो किया आपका मेडागास्कर के साथ। ठीक है, इंडिया ने क्या है रक्षा के क्षेत्र में सही हुए विभिन्न तरीकों पर पता लगाने के लिए व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 कहां पर किया गया है, तो आपको बता दूं विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 का जो है आपका कहां पर किया, वो किया गया आपका मॉस्को में। ठीक है, मॉस्को में किया गया। ठीक है, अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर एयरलाइंस ने किस बैंक के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है, तो आपको बताऊँ अंतर्राष्ट्रीय सौर एयरलाइंस ने आपका एशियाई डेवलपमेंट मतलब ADB के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला मुख्यमंत्री महिला कोष योजना का शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो मुख्यमंत्री योजना की जो शुरुआत ज़्यादा हुई है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई आपके मध्य प्रदेश में होती है, तो मुख्यमंत्री महिला कोष योजना कहाँ स्टार्ट हुई आपकी मध्य प्रदेश में। अगला का निदास ट्रॉफी T20 18 मई 2018 को भारत ने किस देश को हराकर जीता है, तो जो भी मैच के अच्छे प्रशंसक होंगे उन्हें पता ही होगा कि ये किसने जीती है, बहुत ही रोमांचक मैच रहा था, वो जीता था आपका बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, अपने दिनेश कार्तिक ने आपका लास्ट ओवर में 6 मारकर जिताया था इस मैच में। ठीक है, निदास ट्रॉफी में, तो आपका किसको हराया था, आपका बांग्लादेश को हराया था। अगला 18 मार्च 2018 किस राज्य में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आपका 18 मई 2018 को प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जो है आपका महाराष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला 7वें महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपको बता दूँ 7वें महिला विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन हुआ है वो आपका इम्फाल, जो कि आपकी मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ पर आपका मणिपुर की राजधानी है आपकी इम्फाल। ठीक है, यहाँ पर आपका 7वें महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। अगला आपका भारत सरकार द्वारा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी में कितने शब्द होंगे, एक डिक्शनरी लॉन्च की गई, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें आपका साइन लैंग्वेज होगी, तो उसमें आपके कितने वर्ड इंक्लूड किए गए, तो वो कहेंगे आपके 3000 मतलब कि 3000 वर्ड इंक्लूड किए गए इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी में। ठीक है, अगला आपका फार्मूला वन कार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब किसने जीता है, तो आपको बता दूँ फार्मूला वन कार रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2018 का जो खिताब आपका लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला आपका हॉकी विश्व कप पुरुष 2018 का शुभंकर क्या है, तो आपका शुभंकर है जो हॉकी विश्व कप 2018 का जो पुरुषों का है उसका शुभंकर है वो आपका ओली। ठीक है, ओली है आपका उसका शुभंकर। ठीक है, अगला आपका मटुंगा रेलवे स्टेशन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2018 में शामिल हुआ है। ठीक है, यह स्टेशन कहाँ है, तो आपको बताऊँ यह स्टेशन जो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, मटुंगा रेलवे स्टेशन। अगला 75वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर संगीत या हर्ष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, यहाँ पर आपका पिक्चर है। ठीक है,
75वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर संगीत का हास्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो मिला है वो मिला है आपका लेडी बर्ड को, ठीक है, लेडी बर्ड को मिला है। तो दोस्तों आज के टॉपिक बस इतना ही, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, इसके लिंक को ज़्यादा से शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद का वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।